हेलो गाइस, कैसे हैं? होप के सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैंने ये कंट्री डिलाइट से कुछ सब्जियां मंगाई है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी और इसमें की जो पैकिंग है, इन लोगों ने कैसी दी है और कितना फ़र्क है जो हम सब्जी मंडी से सब्जी लेते हैं और ऑनलाइन हमको प्रोवाइड करते हैं उसमें और इनमें कितना फ़र्क है। तो आप वो खोल के दिखाते हैं इसको कि किस तरह की सब्जी इन लोगों ने हमको पैक करके भेजी है। ये लोग दूध भी ऑनलाइन सप्लाई करते हैं और सब्जियों की भी ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट की है। तो इनका कहना है कि ये लोग डायरेक्टली फार्म से हमारे घर पर भिजवाते हैं। तो गाइज, इस हम लोग ये भी चेक करेंगे कि ये जो सब्जियां हैं, हमने अक्सर देखा है कि जो सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है उसको कोई भरोसा नहीं होता कि वो अच्छे पानी की है या ख़राब पानी की है। देखा है कि नाले के पानी सब्जी उगाई जाती है। तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग डायरेक्टली फार्म से हमको सप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी कैसी क्वालिटी ये लोग भेजी है और किस तरह की पैकिंग ये लोग करके भेजते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि मैंने जो ये सब्जी मंगाई है, जो इसमें हर सब्जी के लिए अलग अलग इन लोगों ने पैकेट्स यूज़ किए हैं। ये देखिए, ये कड़ी पत्ता है जो कि 9 रुपये का पड़ा है। जो ये कड़ी पत्ता है, इसकी जो क्वांटिटी है वो अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको लगभग ये 30-20 रुपये की पड़ेगी, लेकिन कंट्री डिलाइट से हमको 9 रुपये की पड़ी है। इसकी खुशबू भी अच्छी है कड़ी पत्ते की। एकदम फ्रेश है। और ये अदरक है, ये अदरक दी है हमको। ये अदरक है, ये 260 ग्राम है और लगभग 1 पाव के करीब है। और ये पड़ी है 19 रुपये 75 पैसे की। और गाइस, ये बीन्स है, ये बीन्स है और बीन्स भी काफ़ी फ्रेश लग रही है। ये काफ़ी फ्रेश है ये बीन्स भी। और ये बीन्स पड़ी है, ये देखिए, 295 ग्राम, जो कि 19 रुपये लगभग 20 रुपये की पड़ी है। बाहर मंडी में गया था तो वहाँ पर 1 पाव 20 रुपये में पड़ रहा था। 300 ग्राम सस्ता ही पड़ा और मतलब। ये 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम है। और ये है मशरूम जो कि 200 ग्राम का है। ये मुझे पड़ा है 36 रुपये का, जो कि 180 ग्राम है। इसके बाद ये है, और ये ऑनियन मंगाया है। ऑनियन आप देख सकते हैं कि एकदम लाल लाल ऑनियन है, एकदम सूखे सूखे ऑनियन है। अगर गीले होंगे तो ख़राब रहते हैं, नहीं सूखे एकदम सही है। और ये 970 ग्राम है, जो कि 25 रुपये में पड़ा है। और बाहर इसका मंडी में प्राइस है 30 रुपये करीब। और ये मैंने 2 कॉलीफ्लावर भी मंगाए हैं, जो कि ये 755 ग्राम 20 रुपये का पड़ा है, 21 रुपये का। और ये 980 ग्राम, लगभग 1 किलो। लगभग 1 किलो का है, ये 27 रुपये का पड़ा है। जो एक कॉलीफ्लावर का मार्केट में प्राइस है वो है लगभग 50 रुपीज़ का। और एक कैबेज मंगाया है मैंने, देखिए इसमें लिखा भी हो कंट्री डिलाइट, ये 450 ग्राम है, ये पड़ा है मुझे 33 रुपये का। तो ये था ये हमारे सब्जियाँ। और एक बच गया है हमारे पास गाजर। चलिए गाजर का भी दिखा देता हूँ आपको मैं। गाजर ये एकदम लाल लाल गाजर है, जो कि अगर आप मार्केट से लेते हैं और वहाँ जब चुनते हैं मंडी में, वैसे इन लोगों ने हमको चुन चुन के भेजी है। चुन चुन के हमको भेज रहे हैं, चुन चुन के। ये देखिए आप, लगभग 1 किलो की ये गाजर है और ये पड़ी है 13-14 रुपये और ये भी वही है 11। 11 रुपये, तो लगभग 14-24-25 रुपये की हमको 1 किलो गाजर पड़ी है ये। लेकिन मेनली क्या, इनकी पैकिंग और जो क्वालिटी है, मतलब बिल्कुल भी कहीं पे आपको दाग दिखाई नहीं देगा किसी में भी। चाहे आप गोभी में ले लीजिए, चाहे आप मशरूम में ले लीजिए, कहीं से भी आपको कोई सब्ज़ी ख़राब नहीं मिलेगी। मैं ये इसका प्रमोशन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को कोई ये इन लोगों ने पैसा नहीं दे रहे, लेकिन मैं जो मंगाया है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि कंट्री डिलाइट मुझे पैसे दे रही है एक्स्ट्रा कुछ कि भाई मेरा प्रमोट कर दो। ये हम मंगा रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस, और आपके सामने हमने डब्बा खोला है, फर्स्ट टाइम ये मंगाया मैंने। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मंगाएं तो आप मंगा सकते हैं, कोई इसमें डर की बात नहीं है कि आपके पास सब्ज़ी ख़राब आ जाएगी या फिर। और अगर अभी जैसे कोरोना चल रहा है और मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको कोरोना का डर है कि कहीं आप मार्केट जाएं और भीड़ भड़ाके में जाएं तो कहीं कोरोना हो जाए। तो उस मामले में सबसे बेस्ट है कि आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और ट्रस्टेबल ऐप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि जो मैंने सब्जियाँ हैं ये कल शाम को ऑर्डर की थी मैंने, 7 बजे और ऐप के थ्रू ऑर्डर की थी, और ये मुझे सुबह डिलीवर हुई है लगभग 7-7:30 बजे तक। तो इनका जो डिलीवरी रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, और मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इस कंट्री डिलाइट का। अगर आपको भी इस कंट्री डिलाइट के ऐप को यूज़ करना है, ये अभी काफ़ी चुनिंदा जगह पे ही इसका जो सर्विस अवेलेबल है, अगर आपको शहर आपके शहर में अवेलेबल है तो आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।